यहाँ पे समरीन ने अपने लिए ये वाली ड्रेस देखी है, पर ये दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। पहने के पुराने कपड़े, मैं भी पहनूंगी पुराने कपड़े। लगता है कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा। कि मैं बाहर आके खो गई हूँ यहाँ पे, अब कुछ खा लेती है ये मोटी भैंस। ये देखो ये हील टूट गई है गाइस। समरीन बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि उसको ड्रेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? तो अभी मैंने बाहर ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है और मैंने काफी टाइम बाद बाहर स्टार्ट किया है कि मैं शॉपिंग के लिए आई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं भी ब्लॉग कर लेती हूँ। अभी हम लोग आए हैं शॉपिंग के लिए और अभी अम्मी की शॉपिंग हो रही है और बाकी मेरी शॉपिंग नहीं होगी। जैसे कि पता है कि अम्मी और पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत ही जिद करने के बाद हो रहा है। मैं सोचती थी हर बार की ब्लॉग करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक मैच को मना कर रही तो कर ही नहीं है, डेली डेली का दिखा दिया, फिर मैं क्या करूँ। अब चलो दिखाते हैं, मैं सबसे मेन आपको दिखाऊंगी मेरी शॉपिंग कैसे होती है, होती भी है या नहीं होती है। तो चलो अभी शॉप में चलते हैं। दूसरे हम यहाँ से वापस लौट कर जा रहे हैं। अम्मी क्या लगता है, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लग रहा, अम्मी को नहीं लग रहा, उम्मीद नहीं है, लेकिन जब कुछ मिल जाएगा तो आपको जरूर दिखाऊंगी। गाइस इस शॉप में लाइट नहीं है, हमें लगा कि यहाँ पे क्लोज हो गया है, तो मैंने आकर पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं लाइट नहीं है, अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या होता जाता है। और ऊपर से हमें कपड़े बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, हमेशा के लिए। ये लोग कपड़े ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा है अभी। तो जैसे कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिला है बस, लेकिन हम फिर भी आ गए हैं और खाने के लिए बैठ गए हैं वहाँ के। हमें लगी है भूख, जरूरी है एनर्जी रहेगा। हाँ, एनर्जी होगी तभी हम घूम पाएंगे, तभी हम खाने के लिए बैठ गए और अभी हम खाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें कपड़े नहीं मिले, मुझे तो नहीं मिला, अम्मी को भी नहीं मिला है, पापा को मिल गया। अब हमें डिजाइनर बनना पड़ेगा। अगर कोई फैशन डिजाइनर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमारे पास कपड़े हैं नहीं, अब मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ। कपड़े हैं नहीं, कपड़े तो बहुत सारे हैं, कपड़े नहीं है, बिल्कुल भी एक भी नहीं है। कपड़े इतने सारे हैं लेकिन उसमें से पहनना नहीं है। दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। चलो पहले हम कुछ खाते हैं, फिर दिमाग काम करेगा। ठीक समय पर खाना खाओ, धीरे धीरे खाना खाओ। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे मॉल और यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। वैसे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे आ गए कुछ के आ गए बस। तो गाइस अभी हमारे साथ है अदीना और अभी हम खाएंगे, क्या खाएंगे अभी हम? फ्राइज। तो चलो मसाला स्पाइसी। ये बच्ची मुझे ले आई है यहाँ पे टॉयज की शॉप पे, बार बार मुझे लेकर जा रही है कि ये करो वो करो। अब हम लोग जा रहे हैं घर, फाइनली अम्मी को आउटफिट मिल गया है। और ना समरीन उस टाइम पे नहीं थी, आपने जैसे कमेंट किया था कि आंटी आप भी है ना महंगे कपड़े लिया करो, जो पसंद आया तो अपने दिल को मत मारा करो कि सब महंगा है ये, तो वो मैंने जबरदस्ती दिलवाया वो चीज की अम्मी लो। तो अब ना पूरे रास्ते मुझे बहुत महंगा है, पता नहीं बहुत महंगा बोलती की बहुत महंगा बहुत महंगा है। ठीक है, अच्छी बात है, पैसों का वो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। और स्पेशल डे है, स्पेशल डे है, अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए हमें जरूर लेना चाहिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर और अम्मी ने फाइनली आउटफिट ले लिया है। आ गई हूँ घर और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ अभी, और मैं बहुत देर पहले आई थी घर, फिर उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई ऐसी आने के बाद। उसके बाद अभी मैं उठी हूँ, अब मुझे चेंज करना है, तो चलो फिर मैं आपको मिलूंगी कल। आज है हमारे शॉपिंग का डे टू और चलो देखते हैं कि आज हमें कुछ मिलता है या नहीं। आ गई हूँ दूसरे मॉल और आज हम लोग आए हैं साकेत और अभी देखते हैं कि हम लोगों को कुछ मिलता है या नहीं मिलता। आज हमारा शॉपिंग का लास्ट डे है, आज हमें लेना ही पड़ेगा कैसे भी करके, अगर आज नहीं लेंगे तो फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो और हम लोग सोच कर आए कि कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। मास्क लगाना अनिवार्य है, बिल्कुल लगाना ही लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है। फिर मैं ऊपर चलती हूँ बोलने के लिए, मैं नीचे करा है। तो मैं बोल रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं मिला है, हमें यहाँ पे ब्रांड्स भी दिख रहे थे, उसमें कलेक्शन बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी ढूंढते ढूंढते जो है वो हमें हमेशा की तरह क्या लगी है,
ठूसी ठूसी करने जा रहे हैं क्योंकि मैं भूख लग जाती है हमेशा की तरह। अभी मैंने आपने इसी ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने शॉपिंग नहीं की लेकिन खाया जरूर है। और पता जब हमें कुछ लेना नहीं होता ना तब अच्छी चीजें मिलती है और जब लेना होता था कुछ नहीं मिलता। मैं बहुत सैड हूं यार, पहनूंगी क्या? पहनेगी पुराने कपड़े, मैं भी पहनूंगी पुराने कपड़े लेकिन पहनूंगी जो मैंने अभी पहन रखा है। और मैं ये चलो अभी हम चलते हैं फूड कोर्ट और कुछ खा लेते हैं पहले। कोर्ट में और मैं आकर बैठ गई हूँ। अब मुझे बहुत भूख लगी है तो अभी कुछ ऑर्डर करेंगे और फिर मैं खाऊंगी। अभी ऑर्डर करवा रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। गाइस आपको मैं एक पेट को दिखाती हूँ, खा खा के पागल बन गई है। अभी दिखा रही हूँ, ये देखो इधर उधर बक्से की पता नहीं क्या सेटिंग कर रही है ये और क्या खा रही है। ये डोसा भी खा लिया इसने सारा, जोर सब कुछ खा लेती है ये मोटी भैंस। बहुत भूख लगी और बहुत देर में ऑर्डर आया हमारा, तो ये बक्सा मेरा है इसलिए इसने टाइम पास करने के लिए डोसा मंगा लिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो इन लोगों का था तो मैंने खाया। ये देखो ये पता नहीं क्या कौन सी फ्रिज है, ये बुर्ज खलीफा खा रही हूँ। अब मैंने बहुत खा लिया, मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया है। अभी मैं फिर से ढूंढूंगी। और मैंने बर्गर जो ये वाला था मेरा मैंने खाया नहीं सही से क्योंकि मुझे KFC का बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा आजकल क्या मतलब बर्गर मुझे एक टाइम पसंद आया था, एक बार जब मैंने खाया तब मैंने चला उसके बाद से अच्छा। तो अभी हम लोग उसको पैक करवा के और इसको भी पैक करवा के घर ले जाएंगे और फिर घर पे खाएंगे क्योंकि अगर बाहर भूख नहीं लगती ना तो घर जाके तो कैसे भी भूख लगी जाती है और फिर भूख लग के तो फिर खाने को कुछ भी मिल जाए तो फिर हम ये खाएंगे सारा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ये देखो आपको हाथ में कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है गेस करो क्या है, दिखाओ अच्छे से दिखाओ। अभी हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई है वो हमारे साथ ही सिर्फ मेरे साथ। और जो कि मुझे देखकर बहुत हंसी आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो ये हील टूट गई है, एक पैर भी टूट गई एक की है और ये अलग ट्रेंड बन गया है और मैं ऐसे ही चलती हूँ। वो भी रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हम टूटे हुए हील वाले को नहीं लेकर जाते, मतलब मना कर दे कि उस गेट से नहीं निकलते। जिसकी टूटी हील होती है वो इधर से निकल के आता है। ये जो पानी गिर रहा है वो इसलिए क्योंकि किसी को प्यास लगी तो वो यहाँ से कप लगाए और जाकर पी ले, जा पी ले तो प्यास लगी। मैं जा रही हूँ, बहुत प्यास लग रही है मुझे। ये देखो ये पानी इसलिए कि हम कप लगाए यहाँ पर और फिर पानी पी ले इसमें का, और वो भी कैसा पानी है यार, गोलगप्पे का पानी लग रहा है ये तो। वाओ लेकिन बहुत ही अच्छी जगह लग रही है मुझे, बहुत प्यारी। अगर आप लोग लग रही है तो कमेंट करके बताओ। बंदर बैठ के दिखा दे, बेइज्जती हो गई समरीन की, बैठी है और सामने से रेड डंडी लेकर आ रहे हैं, रेड लाइट। जैसे कि मैं भी ऊपर जाके बैठी और एक गार्ड अंकल आ गए, उन्होंने बोला नहीं उतरो वहाँ से, वहाँ पे बैठना मना है, हम फिर नीचे उतर के आ गए। और अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अपनी कार का वेट कर रही हूँ जल्दी से आ जाए ताकि मैं अब घर जाऊँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं करनी शॉपिंग, नहीं लेने कपड़े, नहीं मिलेगा कुछ भी, तो बस मैं अब शांति से चुप होकर घर में बैठ जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो भी है ठीक है कोई बात नहीं है। आप लोग कमेंट में बताओ कि ऐसा क्या सिर्फ मेरे साथ ही होता है, आप में से कोई है जिसके साथ भी ऐसा होता है कि ऐसे टाइम पे कपड़े नहीं मिलते या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती हो। घर और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और मैंने चेंज करने के बाद ये ही पहना है जो कि आपको मेरे बहुत सारे व्लॉग से देखने को मिल रहा हो क्योंकि ये लेकिन वो नहीं है, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा है। वो मैंने दो लिए थे तो एक येलो में है जो कि आप अगर नोटिस करोगे तो पता चलेगा, तो ये दूसरा है। तो ऐसा मत समझना बार बार एक ही को रिपीट कर रही हूँ। कपड़ों का क्या करें, कपड़ों का क्या करना यार, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अभी हमारे पास 2 दिन का टाइम है, चलो देखते हैं कुछ मिलता है तो आपको तो सबसे पहले पता चलेगा ही। तो गाइज मैं अभी सो रही थी और मैं सोकर उठ चुकी हूँ और मैंने अपना मेकअप भी रिमूव नहीं किया, मैं आते ही मतलब कपड़े चेंज करके मैं सो गई और पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। सबसे पहले बात तो यह है कि आओ बहन चुगली करे का जो episode 1 है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, बहुत डिले कर दिया मैंने डालने में वो क्योंकि मुझे वो पहले ही डाल देना चाहिए था, मैंने मेरी वजह से वो थोड़ा डिले हो गया, कोई बात नहीं वो जल्दी ही आ जाएगा तो आपको वो देखना है। और आपको आओ बहन चुगली करे के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट करने हैं इस वीडियो पे भी ताकि मैं वो सारे इकट्ठे कर लूं क्योंकि उस वीडियो से भी मैंने ले लिया और इससे भी ले लूंगी। आपको बस #टैग लिखना है आओ बहन चुगली करें और बस आपका कोई भी सवाल होना चाहिए तो फिर वो आपका मैं सवाल अपनी वीडियो में लूंगी। और यहाँ देखो मकासा कैसे सो रहा है, मकासा जब सोता है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उसको उठाने का लेकिन फिर मेरा मन भी करता है कि मैं उसको उठा दूं और ये खुद उठ भी गया। देखो मकासा 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 देखो सबको देखो 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 बहुत ही गहरी नींद में है और हम इसको सोने देते हैं अभी, डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
तो चलो मकासा को सोने देते हैं। और आजकल मैं थोड़ी सी कम एक्टिव हूँ व्लॉग चैनल पे अपने, क्योंकि मैं अपने वो वाले चैनल के लिए, मेन चैनल के लिए शूट करती रहती हूँ। और अगर आपने मेरे मेन चैनल पे, मतलब समरी नदी पे, मेरी न्यू वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने 1 रुपी को बनाया है पूरे के पूरे 1000 में, यार इतनी मुश्किल से बनाया मैंने। तो अगर आप लोग नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और जाकर देखो मेरे चैनल समरी नदी पे। और यार मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि मेरे 800 के सब्सक्राइबर्स कब होंगे यार, और हम कब 1 मिलियन क्रॉस करेंगे। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि काश मेरे भी हो जाते, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। तो बस ये आप लोगों की वजह से ही होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब वाले लोग कितने कम होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे लोग, जितने भी लोग वीडियो देखो, वो सब सब्सक्राइब करके जाओ। क्योंकि आप लोग जो है वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते, क्योंकि शायद आप लोग भूल जाते होंगे या कुछ होता होगा। तो इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, और इसलिए भी कि आपको बाद में सर्च करके ना आना पड़े। आपको खुद से ही सब्सक्राइब अगर करके रखोगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप फिर वो वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो प्लीज यार जल्दी से कर दो और मेरे 800 करा दो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई है दोपहर हो गई है, और मैं तैयार हो गई हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग फिर से करेंगे शॉपिंग, क्योंकि हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो ही नहीं रही है। कंप्लीट क्या, मेरी तो हुई नहीं है, जैसे कि आपने देखा ही होगा अभी लास्ट वीडियोस की क्लिप में। तो अब मैं क्या करूं, मैं तो भाई परेशान हूं बहुत ज्यादा। पार्टी ये सर पे आ चुकी है, अब मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, तो ये बहुत ही टेंशन की गंभीर बात है। तो मैंने उस दिन सूट लिया था, ये तो बहुत लूज हो रहा है मुझे। ओह माय गॉड, तुमने बड़ा ही साइज लिया है। और मैंने ये न्यू जीन्स ली है, ये देखो कुछ ज्यादा ही मैचिंग हो रहा है। और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं भी खा रही हूँ फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। खा रही हूँ, ये मेरा है, तुम तो अभी दाल चावल मंगवा रही थी। असलियत पता चल गई सबको, दाल चावल खाती है। क्या बोल रही हो, कि गलत होता है क्या खाना? खाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि अम्मी मुझे 11 बजे उठाए थे कि उठो खा लो, वरना उसके बाद वो बिजी हो जाएंगे तो नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा मैं खुद ले लूंगी, और मैं खुद कभी लेती नहीं हूँ ब्रेकफास्ट, मुझे इतनी सुस्ती आती है, तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं खाया। तो अभी माँ तो माँ होती है, अम्मी ने कहा कि मैं खाना ला कर दे देती हूँ, तो खाने का टाइम हो गया। परेशान करो, मैं परेशान नहीं करती। तो बस गाइज, मैं आपको मिलती हूँ बाहर जाकर, क्योंकि ज्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि हम एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही मॉल जाते रहते हैं। हर वक्त आप लोगों को भी लगता होगा कि कितना मॉल जाती है, वैसे शूट के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास तो नहीं, लेकिन हमारे जानने में एक ही लोकेशन है, तो हमें लगता है कि वहाँ पर शूट हो जाता है, और सारा कपड़े वपड़े भी मिल जाते हैं, तो सब कुछ सही रहता है, तो हम चले जाते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले कह रही थी गाइस मैं सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, ये नहीं कहा कि सिर्फ फ्रूट्स खाती हूं, मैं हेल्दी खाना खाती हूं पूरा का पूरा। ये देखो पूरा हेल्दी खाना इसका। ओह माय गॉड, इतना गर्म खाना है, क्योंकि अम्मी बिल्कुल बनाते बस लेकर आई, तभी टाइम लगा, मुझे लगा था गाड़ी निकलवा दी है, 5 बजने वाले, 4 बजे का टाइम था निकलने का। कोई बात नहीं है, माँ के हाथ का स्वाद कहाँ जाता। यहाँ पे समरीन ने अपने लिए ये वाली ड्रेस देखी है, पर ये कह रही है कि मुझे ऐसी नहीं पहननी, मतलब थोड़ा इसको अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं नहीं लूंगी। तो ये इसको अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो अभी चलते हैं हम कहीं और। गाइस मैं बाहर तो आ गई हूँ, लेकिन मैं बाहर आके खो गई हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी मैं कॉल मिला रही हूँ ना तो कोई उठा ही नहीं रहा है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सब कहाँ पे है, मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाइस समरीन बहुत ज्यादा रो रही है, क्योंकि उसको ड्रेस नहीं मिली पार्टी के लिए, और ये आते ही यहाँ पे बेड पे पड़ गई है, क्योंकि इसको रोना आ रहा है। गधी हो गई है, बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी इसको रोना आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको मिला नहीं। सबकी ड्रेसेस मिल चुकी है, बस इसकी नहीं हुई, तो ये बहुत ज्यादा वैसी हो रही है। आप लोग कमेंट में इसको बोलो कि पहले से सारे कपड़े ले लिया करे, एंड अब क्या कर सकते, नहीं मिला तो रोए जा रही है किसको नहीं मिला, बात बात पे रोती रहती है, छोटी बच्ची है ना। अभी इसको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि मैं बड़बड़ बड़बड़ कर रही हूँ। समरीन के लिए रोता हुआ इमोजी कमेंट कर दो, आप सहानुभूति करो इसको। समरीन देखो गाइस ये रो रही है, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और अब हम लोगों को लगी है बहुत भूख। और यहाँ जैसे ही हम लोग पहुंचे, क्योंकि 11 बज चुके थे, तो डिनर का टाइम हो गया है। और जैसे कि आपको पता चला होगा कि मुझे मेरी ड्रेस नहीं मिली है, और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस बात को लेकर, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अब दिन भी नहीं बचे। छोटी बच्ची दर्द भरा दिल में। सही में बहुत बुरा लग रहा है। लेके जाओ अपनी बहन को कल, अपनी बहन को ले जाओ शॉपिंग करवाने। ठीक है, अपने पैसे से। आगे थोड़ा, अरे यार कि नए नए गेस्ट आ रहे हैं, कैसे वेलकम बैक। यहाँ कुछ लोग ठूसते हुए, इनको ठूसने के अलावा कुछ नहीं आता। चिकन पास करो, चिकन फेल करो। यही था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो समरीन अली व्लॉग्स। तो अब मैं मिलूंगी आप नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।